लोग भारत की अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें जानते हैं भारत में हजारों नदियां हैं, हजारों नदियों को तो नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नदियां ऐसी हैं जिनको हम लोग को पढ़ना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भारत का अपवाद तंत्र। जब अपवाद तंत्र की बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आ जाता है कि अपवाह किसे कहते हैं। तो जिस मार्ग से बहते हुए नदी आगे की तरफ बढ़ती है, जिस मार्ग से नदी बहते हुए अपने मार्ग की तरफ बढ़ती है, वही अपवाह कहलाता है। अपवाह क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है, ठीक। इसे ही ड्राइंग चैनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जब बहुत सी नदियां के मिलने से किसी क्षेत्र में कई अपवाह तंत्र बनते हैं, कई अपवाह बनते हैं, तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे अगर कोई एक नदी आ रही है, इधर से भी कोई नदी आगे मिल गई, इधर से भी आ गई, इधर से मिल आगे नदी, फिर आगे बढ़ गई, फिर ये, फिर यहाँ से मिल गई, ठीक, फिर शायद भित्रगाँव में टूट गई, फिर इधर कोई नदी आके मिल गई। तो इस तरह से ये अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। इससे अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ से वर्षा अथवा हिमनद से मिलने वाला जल किसी नदी विशेष तक पहुंचता है, वह क्षेत्र उस नदी का बेसिन कहलाता है। तो नदी का बेसिन क्या होता है, ये भी जानने योग्य। पहले हम लोग ये जान लेते हैं, नदी का बेसिन, ये इंपॉर्टेंट शब्दावलियां एक तरह से इसको देखते चलेंगे। नदी की बेसिन क्या होती है, किसे कहते हैं? माने वह क्षेत्र, वह स्थान जहाँ से वर्षा अथवा हिमनद, वर्षा या हिमनद से मिलने वाला जल किसी नदी विशेष तक पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? उस क्षेत्र का नदी बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उस क्षेत्र का नदी बेसिन कहते हैं या नदी बेसिन कहलाता है। अगर भारत के अपवाद तंत्र को देखा जाए, तो भारत में अपवाद तंत्र को नदियों के स्रोत के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में। अगर उन भागों को देखा जाए, अगर भारत में भारतीय नदी प्रणाली को देखा जाए, इसे दो भागों में डिवाइड कर सकता है। अगर हम पहले देखें, जो पहला है उसे कहते हैं हिमालयी नदियाँ। कौन सी कहते हैं उसे? हिमालय नदियाँ। अर्थात अगर हम इसे देखना चाहे तो ये हो जाएगा हिमालय का अपवाद तंत्र, क्योंकि हम अपवाद तंत्र तो पढ़ी नहीं है, मतलब इसे हम हिमालयी अपवाद तंत्र और प्रायद्वीपी अपवाद तंत्र, अर्थात हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपी नदियाँ को दो भागों में बांटते हैं। पहले इनके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है, इनका क्या उपयोग है, क्या विशेषताएं हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक कर से, एक एक क्रम से इन सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग अब दो लाइन बना लीजिएगा ताकि दोनों को अंतर को हम लोग आसानी से लिख सकें और आप भी उसे पढ़ सकें। बाद में जब इस वीडियो को देखें तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। देखिए, एक तरफ डालिएगा हिमालय, हिमालयी नदियाँ, दूसरी तरफ प्रायद्वीपी नदियाँ, या आप ये भी लिख सकते हैं हिमालय अपवाद तंत्र या प्रायद्वीपी अपवाद तंत्र, ठीक। दोनों आप लिख सकते हैं, मैंने दोनों आपके लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। चलिए लिखिए, पहले लिखिएगा आप हिमालय अपवाद तंत्र, देखिए, या जो हिमालय नदी तंत्र है, जो हिमालय नदी तंत्र है, जो हिमालय अपवाद तंत्र है, इस अपवाद तंत्र की नदियों का जो उद्गम या तो हिमालय पर्वत से होता है या फिर नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियों से मिलती हैं। ध्यान से देखिएगा, जो हिमालयी नदियाँ होती हैं इनका उद्गम दो तरह से होता है, एक हिमालय पर्वत से होता है, कहाँ से? हिमालय पर्वत से होता है। दूसरा, या तो जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनसे मिल जाती हैं। स्पष्ट हुआ बात? या तो हिमालय से या हिमालय वाले, हिमालय से निकलने वाली नदियों से मिल जाती हैं। दूसरी तरफ अब आते हैं प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की बात करते हैं या प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं। इस अपवाद तंत्र की जो नदियाँ होती हैं उनका उद्गम कहाँ होता है? पठारी क्षेत्रों में होता है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं इनका जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है? प्रायद्वीपीय या पठारों पर होता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे दूसरा अंतर देखेंगे। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं इन नदियों में जो जल होता है वो दो तरह से प्राप्त होता है। इस अपवाद तंत्र की जो नदियाँ होती हैं, या तो हिमनद जब पिघलती है तब उसमें जल आते हैं, अथवा वर्षा, माने इस नदी में हिमनद और वर्षा दोनों के जल के प्राप्ति होने के बाद ये नदियाँ बहती हैं, इसलिए इस नदियों को सदा नीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदा नीर कहा जाता है, ठीक। प्रेन
नील कहा जाता है, सदानीर। मतलब इन नदियों को क्या कहते हैं हम, सदानीर। अगर इनकी हम व्याख्या करें तो इन नदियों को हम सदानीर कहते हैं। अभी प्रश्न पूछेगा सदानीर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ष भर क्या है, सदानीरा दोनों कहते हैं, ये वर्ष भर इनमें जल जमाव रहता है, जल रहता है, क्योंकि इसके दो कारण है, एक वर्षा का जल, दूसरा हिमनद। अब अगर हम प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो इस अपवाह तंत्र की या इस अपवाह तंत्र नदी तंत्र की जो नदियां हैं इन्हें इनमें केवल वर्षा के जल की प्राप्ति होती है, इसलिए ये नदियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, मौसमी होती हैं। माने जब मौसम इनके कूल अनुकूल होता है, अर्थात जब वर्षा होती है तब इस नदियों में जल दिखता है। माने प्रायद्वीपी जो अपवाह तंत्र है इसमें जो नदियां होती हैं वो मौसमी होती हैं, अर्थात जब मौसम वर्षा ऋतु का आता है तो इसमें जल दिखाई देने लगता है, और जैसे ही गर्मी की ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, वैसे धीरे धीरे क्या होती है, सूखना शुरू हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, ये अंतर आप लिखते चलिएगा क्योंकि बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा, आपको बहुत सारी किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे हम जो लिखवाएंगे वो एक नोट्स की तरह तैयार हो जाएगा और आपके हमेशा उपयोग में आएगा। अब हम देखते हैं, अगर हम हिमालय नदी की फिर बात करें तो ये नवीन वलित पर्वतों वाले क्षेत्रों से बहने के कारण ये नदियाँ वर्तमान समय में अपनी युवा अवस्था में, यंग एज में, इनकी एक विशेषता और है क्योंकि ये नवलित पर्वतों से निकलती हैं, नवलित पर्वतों वाले क्षेत्रों से बहने के कारण ये नदियाँ वर्तमान में अभी या अपनी युवा अवस्था में है। कैसी अवस्था में, युवा अवस्था में है। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर हम प्रायद्वीपी पठारी क्षेत्रों से जो नदियाँ निकलती हैं ये अपनी वृद्धावस्था में है या ओल्ड एज में है, ये यंग एज में है और ये ओल्ड एज में है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा या हमें अवगत कराइएगा ताकि हम लोग और तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। अब हम आगे अगर देखें तो फिर हमें दिखता है ये नदियाँ किस अवस्था में, युवावस्था में। युवावस्था में होने के कारण इन नदियों की जो अपरदन क्षमता है, इरोजन है, वो अधिक पाई जाती है। नदी का वेग तीव्र होगा, इसकी बहाव तीव्र होगा, तो क्या करेंगे, बहाव तीव्र होगा, वेग तीव्र होगा, तो ये कटान करेंगे, ये अपरदन ज़्यादा करेंगे, तो इनकी जो अपरदन क्षमता है, इरोजन क्षमता है, वो बहुत ही ज़्यादा होगी। जबकि ये वृद्धावस्था में होने के कारण प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं ये वृद्धावस्था में होने के कारण इन नदियों में जो निक्षेपण की क्षमता है वह अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि निक्षेपण जमाव की क्षमता अधिक बढ़ जाती है और यहाँ पे कटाव, यहाँ पे बहाव की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें अपरदन की क्षमता अधिक होने के कारण ये नदियाँ क्या करती हैं, वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। किस आकार की, वी, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप नदी की तरफ गए होंगे तो नदी कैसे होती है, जब बहाव क्षेत्र होता है इस तरह से होती है। क्या कभी आपने देखा नदी ऐसे यहाँ से आप कूदे धारा में, ऐसा नहीं होता। नदी क्या होता है, धीरे धीरे ढाल, मतलब देखे उसका ढाल धीरे धीरे मंद होता है। ये वी आकार घाटियाँ होती हैं, माने नदियों द्वारा जो ये हिमालयी नदियाँ हैं ये कैसा बनाती हैं, ये वी आकार की घाटी बनाती, कौन सी, ये वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। गार्ज बनाती हैं, कैनियन बनाती हैं, आई आकार की, गार्ज मतलब ये आई आकार की घाटियाँ भी बनाती हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इसके पर्वतों को काट कर ये क्या करती हैं, तब तक काटती हैं जब तक समुद्र तल को न प्राप्त हो जाए, अर्थात ये वी और आई आकारी घाटियाँ बनाती हैं। ठीक, गार्ज, कैनियन, वी आकारी घाटी तथा जलप्रपातों का भी निर्माण करती हैं। ये क्या करती हैं, जलप्रपात, अर्थात वाटरफॉल्स, कैनियन, गार्ज, इनका भी ये निर्माण करती हैं। जबकि अब हम देखते हैं प्रायद्वीपी जो नदियाँ हैं इनकी अपरदन क्षमता कम होने के कारण ये नदियाँ चौड़ी घाटियों में होती हैं, इसलिए ये यू आकार का भी निर्माण करती हैं। किस आकार का, ये यू आकार का निर्माण करती हैं। कैसा निर्माण करती हैं, यू आकार का निर्माण करती हैं। और एक बात और जानिएगा, जो हिमनद होता है वो भी यू आकार की घाटियों का निर्माण करते हैं, कौन, हिमनद। लेकिन प्रायद्वीपी जो नदियाँ होती हैं इनकी अपरदन क्षमता कम होने के कारण भी ये यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। अब जब ये नदियाँ युवावस्था में, हिमालयी नदियाँ, इनका वेग तीव्र है, इरोजन ज़्यादा करती है, इसका मतलब जब अपरदन ज़्यादा करेंगी तो अवसादों की मात्रा ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है, किसमें, जो हिमालयी नदियाँ हैं, हिमालय अपवाह तंत्र से जो निकलने वाली नदियाँ हैं इनकी वेग तीव्र होने की वजह से, युवावस्था होने की वजह से, अपरदन ज़्यादा होने की वजह से इनमें अवसादों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होगी। लेकिन उसके ठीक विपरीत
इनकी वृद्धावस्था होने के कारण इन नदियों में जो औषाद होता है, जो मलवा होता है, इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? इसकी मात्रा कम होगी। एक बात। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि इनके द्वारा जो हिमालयी नदियां हैं, जब ये मैदानों से होकर बहती हैं, मैदान क्षेत्रों से निकलती हैं, ठीक, तो क्या करती हैं? उत्तर भारत का मैदान या उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं। आप जानते होंगे हिमगंगा यमुना की बाणकृत मैदान हमारे यहाँ है, जो उपजाऊ है, जहाँ पे जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत यह जो प्रायद्वीपी अपवातंत्र की जो नदियाँ हैं वो क्या होती हैं? इनकी सीमित मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है, बहुत ही सीमित, क्योंकि अपर्दन कम करती हैं, ये सदा नीरा होती हैं, ये मौसमी होती हैं। अब इन जो हिमालयी नदियां हैं, इनके अपवाह के तल का निर्माण जलोढ़ औसादों से हुआ है। कैसे हुआ है? जलोढ़ औसाद से। इन नदियों के जो अपवाह तल का निर्माण हुआ, जो तल है वो कैसा हुआ? जलोढ़ औसाद। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जलोढ़ औसाद क्या है, जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हो सकता है मौका मिले पढ़ाने का, तो वहां पे हम देखेंगे ये जलोढ़ क्या होता है। तो जलोढ़ औसादों से हुआ है, ठीक। जबकि इन नदियां, जो ये नदियां कौन सी? प्रायद्वीपीय अपवातंत्र की नदियां। इन नदियों के जो अपवाह तल का निर्माण हुआ है वो चट्टानों से हुआ है, क्योंकि सीधी सी बात है, वो हिमालय से निकलते फिर मैदान पहुंचती हैं, तो क्या होता है? ये इन्हें जलोढ़ औसाद मिलते, इन्हें क्या मिलेंगे? निर्माण चट्टान से हुआ है, चट्टानी तो है प्रायद्वीप में। जबकि आगे हम देखेंगे तो जो हिमालयी नदियां हैं ये उत्तरी मैदान से बहते समय नदियां क्या होती हैं? विसर्पाकार मार्गों का निर्माण करती हैं, मियांडर बनाती हैं। माने जब नदी, ये जानते रहिएगा, जब नदी मैदानी क्षेत्रों से बहती है तो विसर्पित हो जाती है। कैसी? विसर्पित हो जाती है। माने इस तरह से वो, देख रहे हैं, इस तरह से बहती है नदियां, देख रहे हैं, इस तरह से, जब इस तरह से नदियां बहती हैं, देख रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? मियांडर कहते हैं, या विसर्पित नदी। अभी बाद में पढ़ेंगे, यहीं से गोखुर झील का भी निर्माण होता है। क्या होता है? यहीं से गोखुर झील का भी निर्माण होता है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जबकि पठारी तथा चट्टानी क्षेत्रों से जो नदियां बहती हैं प्रायद्वीपीय अपवातंत्र की, उसमें वो विसर्पण नहीं करती। इनके द्वारा किया जाने वाला विसर्पण केवल इसके डेल्टा क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। माने जो ये विसर्पित कभी करती हैं तो डेल्टा क्षेत्र के पास, जबकि ये नदियां जब मैदानों में पहुंचती हैं, अब देखेंगे जब प्रयागराज आएंगे, इलाहाबाद आएंगे, गंगा नदी देखते हैं कितनी विसर्पित हुई है, क्यों? मैदानी क्षेत्रों में। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, वहां ब्रह्मपुत्र को भी देखेंगे, जब असम और अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है तो पूरी तरह से विसर्पित होती हुई चलती है। कारण क्या है? कि मियांडर का निर्माण करती है, मैदान क्षेत्र में एकदम मस्त होकर बहती है इधर से घूमते हुए, ठीक है, उसे मियांडर कहते हैं। जबकि ये डेल्टाई क्षेत्रों पर विसर्पण का निर्माण करती, बाकी जगह विसर्पण क्षेत्र का निर्माण नहीं करती। अच्छा, अगर हिमालयी अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें, तो इस तंत्र की जो बहुत सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय से पर्वतों से निकलने के बाद, मतलब ये नदियां जो हैं हिमालयी नदियां हैं, इनका जो अस्तित्व है ये महान हिमालय या हिमालय बनने के पूर्व में आ चुकी थी। अतः इस अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? पूर्ववर्ती नदी तंत्र कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अगर छोटा सा मैप ड्रा करके अगर हम देखना चाहें, थोड़ा झुकना पड़ता है ना बोर्ड पे, इसे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कारण क्या है ना, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैप ड्रा कर दे, थोड़ा सा आपको समझने भी आसान हो जाएगी। ठीक, माना ही भारत है, बहुत सुंदर तो नहीं बन पाया, माना ही क्या है? भारत है। अब हमने ये देखा कि जो यह हिमालय, यहाँ पे देखेंगे महान हिमालय है, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये महान हिमालय, तो महान हिमालय बनने के पूर्व ये नदियाँ जो अस्तित्व में आ गई थी, उन सभी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? पूर्ववर्ती,
कौन सी नदी कहते हैं, ध्यान रखिए क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी कहते हैं, जो जिन नदियों का जन्म या जो नदियाँ हिमालय बनने के पूर्व अस्तित्व में थी, इन सभी नदियों को क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां। ये क्या कहलाती हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। जबकि जबकि जो प्रायद्वीपी अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपी जो नदियां हैं, ये प्रायद्वीपी पठारी क्षेत्रों के निर्माण के बाद अस्तित्व में आई थी, इसलिए इन्हें अनुवर्ती नदियां कहते हैं। इन नदियों क्या कहते हैं, अनुवर्ती अनुवर्ती नदियां कहते हैं, क्योंकि जब यह बनी थी तो पठारों के बाद इनका निर्माण हुआ था, जब पठार अस्तित्व में आ गए, पठार बन गए, इसलिए बनी थी, इन्हें अनुवर्ती नदियां कहते हैं। जबकि जो यहां से नदियां निकलती हैं, कहां से, हिमालयी अपवाह तंत्र से, तो उसे क्या कहते हैं हम, पूर्ववर्ती नदी, क्योंकि इनका जो उद्गम हुआ था ये हिमालय बनने से पूर्व बहती थी, वो आज भी बह रही है, लेकिन ये बाद में भाई। ठीक, इस प्रकार हमने देखा, सॉरी कॉल आ गया था, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखा हम लोगों ने कि जो हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ होती हैं, ये गहरी घाटियों से बहती, कैसे, गहरी घाटियों से बनती है, जिसके कारण इसमें जल विद्युत उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, परंतु वर्तमान में इस क्षमता का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, वर्तमान में क्या है, इस क्षमता का विकास नहीं हो पाया, जबकि जबकि जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियाँ होती हैं, वो घाटियों की गहराई कम होने के कारण तथा जल की मात्रा सीमित होने के कारण इन नदियों की जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता होती है, ये काफ़ी हद तक सीमित होती है, मानिए काफ़ी हद तक क्या होती है, कम होती है। ठीक, लेकिन जबकि यहाँ पे गहरी घाटियों होने के नाते ये जल विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक होती है, किंतु क्या होता है, वर्तमान समय में इस क्षमता का पूर्ण विकास नहीं किया जा सका। उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे ऐसा क्यों है, जब ऊर्जा पढ़ेंगे, नदी से ऊर्जा कैसे उत्पाद किया जाता है, टर्बाइन कैसे चलती है, और डैम को पढ़ेंगे, तब शायद इस बात को और बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। जबकि नदियों की, इसके नदियों की जो बहाव क्षमता कम होने, गहराई कम होने की वजह से विद्युत उत्पादन क्षमता सीमित होती है, परंतु इनकी क्षमता का पूर्ण विकास किया जा चुका है, माने इनकी क्षमता का पूर्ण विकास किया जा चुका है, जबकि इनका भी पूर्ण विकास किया जाना बाकी है, माने वे इससे और विद्युत उत्पादित की जा सकती है। अगर अभी हम बनाए, अगर इसे कोई डैम बना, वहाँ से धारा निकली, बिजली बना, टर्बाइन चली, और आगे गया, और आगे गया, माने हम कई टर्बाइन एक साथ लगा सकते हैं, एक एक करके और नदी आएगी, लेकिन मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कम होने के कारण भी यहाँ पे पूर्ण रूप से इसका उपयोग किया जा सका विद्युत उत्पादन के लिए, जबकि अभी हिमालयी नदी है जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा बाकी है, वहाँ पे भी बचा हुआ है। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये नदियाँ जो हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं, जो हिमालयी नदियाँ हैं, ये नदियाँ विस्तृत मैदानी क्षेत्रों में बहती, कहाँ बहती हैं, विस्तृत मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं, इसलिए नौकायान के लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए क्या है, नौकायान के लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्या है, नौकायान के लिए ज़्यादा उपयोगी है। जबकि इसके ठीक विपरीत जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ये नदियाँ मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों से बहती हैं, मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों से बहती हैं, इसलिए नौकायान के लिए कम उपयुक्त है, केवल अपने डेल्टा क्षेत्र में इनका नौकायन के लिए उपयोग किया जा सकता है, अन्य क्षेत्रों के लिए नहीं। जबकि उसके ठीक विपरीत यदि हम गंगा सॉरी हिमालय नदी तंत्र को पढ़े तो वहां पे इसके में कई स्रोत मिलते हैं। ठीक, इस प्रकार हमने इन हिमालय तंत्र के नदियों को पढ़ लिया। एक बार देखो तो कुछ छोटा होगा तो फिर अच्छा, ये नदियां जो होती है हिमालय नदियां, इनकी लंबाई ज्यादा होती है, इनमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि जो प्रायद्वीपी प्रायद्वीपी नदियां हैं जो अपवाह तंत्र, इसकी नदियों की लंबाई कम होती है, जल ग्रहण क्षमता भी कम होती है, क्योंकि इनमें नदी वर्षा का और हिमनद का दोनों प्राप्त होता है, जबकि इन नदियों को केवल केवल कौन सा मिलता है, कौन सी, जो मौसमी वर्षा ऋतु का। ठीक, और इनमें बड़े डेल्टा का निर्माण, इनमें बड़े डेल्टाओं का निर्माण होता है, इन नदियों के मुहाने पर बड़े डेल्टाओं का निर्माण होता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के नदियों पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनता है, जबकि इन नदियों के मुहाने पे डेल्टा का निर्माण बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे उनको भी पढ़ेंगे, जैसे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, देखेंगे हम लोग छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण होता है, जबकि इनमें बहुत ही ज़्यादा बड़े डेल्टाओं का निर्माण होता है। फिर अच्छा,
ये प्रवाह इसका मैदानी क्षेत्र में होता अधिक, इसलिए यहाँ पे नदी के मुहाने पर मैदानों में ज्वारी बाढ़ आते हैं, जबकि यहाँ इन नदियों से ज्वारी बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। ठीक, यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में और मुहाने पर दोनों में ज्वारी बाढ़ आते हैं, जबकि इस पे केवल मुहाने क्षेत्रों पर ही ज्वारी बाढ़ आते हैं। अच्छा, हिमालयी नदियों की संख्या अधिक है, हिमालयी नदियों की संख्या अधिक है जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की संख्या कम है। अच्छा, एक बात और, जो हिमालयी नदियां होती हैं इसमें सिंचाई के उपयोग ज़्यादा किया जा सकता है, सिंचाई ज़्यादा क्षेत्रों में की जा सकती है और इसमें कम, कारण क्या है, ये सदा नीरा है और ये मौसमी है। ये अधिक गहरे गाज का निर्माण करती हैं, ये कम गहरे गाज का निर्माण करती हैं। अच्छा, ये अधिकाधिक गाद का परिवहन पर तली तट पर निक्षेपित करती हैं जिससे प्रवाह क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, जबकि ये गाद का, ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये गाद का कम अफवाह करती है, इसके कारण प्रवाह क्षेत्र में बाढ़ कम आती है, इसलिए हिमालय नदियों से बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है गाद की वजह से। ठीक है, अब बहुत सारा हो गया है, इनका जलग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है, इनका कम होता है। ठीक है, हम लोगों ने एक तरह से पूरा अपवाह तंत्र को पढ़ लिया और हम लोगों ने हिमालयी नदी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, या कह सकते हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर को पढ़ लिया जो सबसे ज़्यादा प्रमुख था। अब हम आगे आते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं। अब हमने देखा भारत का जो अपवाह तंत्र है, भारत का जो नदी तंत्र है उसको दो भागों हमने बांटा, पहला देखा हिमालयी नदी तंत्र या हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक, दोनों को मैंने अपवाह तंत्र ही कहना ज़्यादा सही था। अब हिमालयी अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया, तीन अपवाह तंत्र के रूप में बांटा गया है। पहला सिंधु नदी अपवाह तंत्र, अगर यहां पहला देखा जाए तो पहला क्या होगा, सिंधु नदी, कौन सा, सिंधु नदी अपवाह तंत्र। अभी इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है, क्या है, भारत में नहीं हुआ है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अभी तो हम पढ़ाएंगे नदी तो फिर हम देखेंगे कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जब जाते हैं फिर देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दूसरा है, किसी भी क्रम में बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्रम से कोई माने नहीं है। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, या नदी कहना ही गलत है, निर्थक हो जाएगा, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, इन दोनों नदियों अगर नदी के बारे में पढ़े तो इनका उद्गम भारत के बाहर हुआ है और तीनों नदियां, ये दोनों नदियां अंतर्राष्ट्रीय है, ये तीनों नदियां अंतर्राष्ट्रीय हैं, लेकिन गंगा एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में हुआ है। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, वे नदियां अंतर्राष्ट्रीय कहलाती, अंतर्देशीय नदियां और अंतर्राष्ट्रीय नदियां, वे नदियां जिनको एक या एक से अधिक देशों में बहती हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा गया, पहला पश्चिमी घाट उद्गम, माने ऐसी नदियां जिनका उद्गम पश्चिमी घाट, अगर मैप में देखा जाए तो उनका उद्गम जहां पे पश्चिमी घाट में हुआ। ठीक, दूसरा बिंधन श्रेणी सह्याद्रि उद्गम, माने जो बिंधन श्रेणी है जिनका उद्गम कहां, बिंधन श्रेणी या सह्याद्रि क्षेत्र में जिनका उद्गम हुआ है। अगर हम पश्चिमी घाट के उद्गम में देखा जाए तो जो इनके अपवाह तंत्र है उसमें गोदावरी नदी तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, कावेरी अपवाह तंत्र, कृष्णा अपवाह तंत्र, पेन्नार अपवाह तंत्र, जबकि ये नदियां भी हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेन्नार, और हम ये जानते हैं दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है, कौन है, गोदावरी है, 1460 किलोमीटर। ठीक, कावेरी, कृष्णा, पेन्नार, ये हो गया। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, हमने ये देखा कि जो बिंधन श्रेणी से निकलती है नर्मदा, तापी, महानदी, नर्मदा तापी के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, नर्मदा तापी ये बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, नर्मदा तापी क्या है, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, फिर इसमें भी देखेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, यहाँ पे भी दो प्रकार की नदियाँ आएंगी, अगर विभाजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन सी नदी में मिलेगी, क्या कि जिस जो नदियाँ कहाँ गिरती हैं, एक बंगाल खाड़ी में गिरती है जी, बंगाल खाड़ी में, दूसरा अरब सागर में, इन नदियों के बारे में जिक्र करेंगे। ऐसे बहुत सारी नदियाँ भी पढ़ने को मिलेंगी, अगर हिमालयी नदी तंत्र के अपवाह तंत्र की बात करेंगे, राम, गंगा, गोमती, घाघरा, काली, जो शारदा नदी है तो नेपाल में उसे काली नदी के नाम से जाना जाता है, सरयू, राप्ती, गंडक,
बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, इन सभी नदियों को एक एक करके हमें जिक्र करना, इनको पढ़ना है। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, अब अलग अलग स्थानों पे किन किस नामों से इसे जाना जाता है, ठीक। और फिर हम अंतर तो एक तरह से जान ही गए हैं, और यदि फिर कोई समस्या रहती तो आप हमें उसे अवगत करिएगा। इसके नोट्स आप लिखते हुए चलिए, इनके नोट्स को आप बनाते हुए चलिए। वास्तव में एक बार आप जब पढ़ेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा कि वास्तव में जो रिवर सिस्टम है, इंडिया रिवर सिस्टम या भारतीय नदी तंत्र जो है, वो आपको एक बार में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग इसके एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हम हिमालयी नदियों को पढ़ेंगे, हिमालय अपवातंत्र को पढ़ेंगे। हिमालय अपवातंत्र में तीन प्रमुख अपवातंत्र हैं, सिंधु अपवातंत्र, गंगा अपवातंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे सिंधु अपवातंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर इनके बारे में एक एक कर से क्रम में पढ़ेंगे। और हम लोग समग्र अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि हम वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं, एक सामान्य अध्ययन के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ऐप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश्वर बिना स्पेस दिए, माने LURGESH दुर्गेश्वर। जैसे ही सर्च करेंगे आएगा इलनी विद दुर्गेश, आप वहाँ पे जरूर जुड़िएगा इलनी विद दुर्गेश से। जैसे आप इलनी विद दुर्गेश से जुड़िएगा, उसके बाद हमारा फेसबुक पेज इलनी विद दुर्गेश, उसे भी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हम PDF आपको जो भी होता है वो टेलीग्राम पे उपलब्ध कराते हैं। कभी कभी हम वीडियोज बनाते हैं उसकी लिंक YouTube द्वारा आपको नहीं मिल पाती, तो हम आपको टेलीग्राम से उपलब्ध करा देंगे। और फेसबुक पेज इलनी विद दुर्गेश, जहाँ पे आपको प्रश्नों की सीरीज हम शुरू करने वाले, वो आपको हमारे फेसबुक पेज इलनी दुर्गेश मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर इलनी दुर्गेश है। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी संचालित की जाती हैं, यदि आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको लगता है दुर्गेश सर या इलनी दुर्गेश टीम के साथ जुड़कर आपको पढ़ना चाहिए, तो आपका मोस्ट वेलकम है। वैसे तो हम जौनपुर जनपद से हैं, लेकिन जौनपुर जनपद के अलावा भी अभी हमारी ऑफलाइन क्लासेज धीरे धीरे अन्य जिलों में संचालित भी होने वाली हैं, और उसके लिए ऑनलाइन क्लास के लिए ऊपर आपको नंबर दिए गए हैं, जिसमें 6306344367 पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अन्य कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हिमालयी नदी तंत्र या हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में किस अपवाह तंत्र से बाण आने की संभावना सबसे अधिक होती है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके इस वीडियो को सभी साथियों को अपने शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक ये पहुंच जाए, क्योंकि हमने पूरी बारीकी के साथ इसे पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।